एक बात बताओ, तुम्हारा महीने भर में लिपस्टिक पर कितना खर्चा हो जाता? यही कोई 1,000-2,000 रुपए। आखिर तुम कब सुधरोगी? इतना ज्यादा लिपस्टिक इस्तेमाल करोगी तो कैसे काम चलेगा? वैसे भी कमाई धमाई हो नहीं रही है, सेविंग का तो बाजा फट जाएगा। अच्छा, रोज तुम्हें मैं किस करती हूँ, तुम्हारे सामान को चूसती हूँ, आधी लिपस्टिक तो मेरी उसी में चली जाती है, फिर अकेले मुझे क्यों बदनाम कर रहे हो? ज्यादा दिमाग ना लगाओ, ज्यादा पैसे बचाने के चक्कर में तुम्हारी फट रही हूँ। मेरी लिपस्टिक का खर्चा उठाने में तो बता दो, जाने कितने तैयार बैठे लिपस्टिक के साथ साथ क्रीम पाउडर फ्री में देने के लिए। कौन? अरे बेटा खोलो। अच्छा आता हूं। ये कहाँ गई? मेरी दुल्हन कहाँ गायब हो गई? अजी अरे बाबू, मैं यहाँ पे हूँ। अरे तुम वहां क्या कर रही हो? इधर आओ। अरे कोई नहीं था, वो मम्मी ये चिल्ला रही थी। ओ अच्छा, मैंने समझा रेट पड़ गई है। रेड पड़ गई है तो तुम मेरी तो किस्मत फूटी थी जो इस आदमी से शादी हो गई। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे, लेकिन नहीं, मेरी किस्मत में तो ढोर लिखा था। हाँ, मैं तो मरा जा रहा था तुमसे शादी करने के लिए। तुमसे अच्छे अच्छे मेरे घर में रिश्ते आ रहे थे। अच्छा तो अब जा रही हूँ मायके, मुझे तलाक चाहिए और कर लेना दूसरे रिश्ते। अपने लोगों तो और क्या, तुम ही हो क्या इतनी सुंदरी? तुमसे अच्छी अच्छी पड़ी है। ये लो यार, ये भी, ये लो पकड़ो, अपने दूध का ढक्कन, इसको भी लेती जाओ। तुम भी लो ये अपने मुर्दे का कफन। जुबान संभाल के बोलो, अंडरवियर है मेरी, मुर्दे का कफन नहीं है। मुर्दे का कफन ना बोलो तो और क्या बोलो? तुम्हारा ये पूतने के अलावा आज तक किसी काम में आया? शादी के पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, बेबी 12-12 बच्चे करूंगा, और आज तक मुझे तक संतुष्ट न कर पाए। 12-12 बच्चे करेंगे। घूमिए थोड़ा। तुम अपने पति के साथ नहीं रहती हो क्या? नहीं, वो 4 साल से दुबई में है। अच्छा, तो कोई बॉयफ्रेंड है तुम्हारे? हाँ, बॉयफ्रेंड तो दो दो हैं। हाँ तो उनसे बोलो कि थोड़ा लेफ्ट साइड में ज्यादा ध्यान दें तो फिटिंग तुम्हारी सही आएगी। साले गंदी बात छिड़ रहा कहीं का, तेरे यहाँ कोई कपड़े सिला नहीं है? बताओ, सही बोल दिया तो बताओ, थप्पड़ मार के चले गए। सुनो जी, मेरे ब्लाउज को हुक लगा दो, मुझसे लग नहीं रहा है। लगा तो मैं दूंगा, लेकिन इसके बदले 3 पप्पियां लूंगा। अबे साले, छोड़ो जी, तुम रहने दो, रामू से तो मैं फ्री में लगवा लेती हूँ, और वहां डालकर सेट भी कर देता है। रामू, अरे तुम मेरी दीदी हो कि रामू की बहन? तो रामू, आज मैं बहुत खुश हूँ, मैंने जिसे चाहा मेरी उससे शादी हो गई। अरे मेरी जान, घूंघट डाल के क्यों बैठी हो? अपनी तो लव मैरिज है, हमको आशिक हैं दोनों। आ जाओ फिर शुरू करते हैं। आ, आ, छोड़ो, लग रहा है। ये क्या कर रही हो? अभी तो हम कुछ कर भी नहीं रहे, पैसे चला क्यों रही हो? अबे चुप कर चूतिए, बाहर तेरे दोस्त खड़े हैं, तेरी इज्जत बचा रही हूँ, नहीं तुझे समझेंगे तू नल्ला है। ऐसे कौन इज्जत बचाता है? क्यों रे, क्या है, कर रहा है? बार बार आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। अरे मालकिन क्या बताऊं, कल आम ज्यादा खा लिए हैं मैंने। अरे हराम ज्यादा आम ज्यादा खा लिए तो बार बार आ जा क्यों रहा है? क्योंकि मालकिन अब भर भर के फ्रूटी और माजा निकल रहा है। हराम ज्यादा निकल नहीं सर, वैसे कहीं का छुट्टी दे दो तो ना देती। मुझे लगता है कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं मरने से पहले तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जी बताइए। तुम्हारी अलमारी से सोने के गहने मैंने ही चोरी किए थे। कोई बात नहीं जी, मैंने आपको माफ किया। तुम्हारे भाई ने जो तुमको 1 लाख रुपए दिए थे, वो भी मैंने ही गायब किए थे। कोई बात नहीं जी, आप परेशान ना हो, ये तो दुनिया के रंज गंज ये सब तो होता रहता है, बस आप टेंशन ना लो, आराम करो। तुम्हारी कीमती कीमती साड़ियाँ मैंने ही चोरी करके अपनी प्रेमिका को दी हैं। कोई बात नहीं जी, आपको जहर भी तो मैंने ही दिया है। अच्छा वो कमीना मर गया।
बहुत रंडी बाज था, मेरे सब गहने कपड़े उठा के सब रंडियों को दे देता था, भले मर गया। बेबी तुम्हारा बाबू किसी से डरता नहीं, अगर तुमको किसी ने हाथ लगाया ना तो उसको बीच में से फाड़ दूंगा, बीच में से। जय हनुमान। अरे आजा गुरु सागर जय कपीश तिहु लो।